सैल्यूट आरपीएफ अधिकारी जी को, जिन्होंने 12 से 14 पुरुष लोगों को महिला बोगी से सफर करने वालों को पकड़कर उन पर जुर्माना लगाया और जेल भेज दिया। हाजिर में शेख मुजाहिद हुसैन आबादी आरबीसी चैनल के माध्यम से। आप सभी का आरबीसी चैनल पर अभिनंदन है। आज बात होगी जपला रेलवे स्टेशन के क्षेत्र पर आरपीएफ अधिकारी राजेश रंजन जी पर, यही नहीं आदरणीय सांसद प्लामू जी पर भी बात करेंगे। कोरोना काल के नियम प्लामू वासियों पर लागू हैं। किसान मजदूर आज भी ट्रेन जनरल टिकट के भाड़े की जगह स्पेशल ट्रेन के भाड़े यानी 15 की जगह 40 रुपए देकर डेहरी और डाल्टनगंज जाने को मजबूर हैं। और माननीय प्लामू सांसद जी से इस संदर्भ में जब आज से कुछ महीने पूर्व जब सांसद फुटबॉल खेल प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा था, उस वक्त आरबीसी चैनल ने सांसद जी से एक प्रश्न रखा था कि लोगों से कोरोना काल वाले स्पेशल भाड़ा आज भी क्यों वसूला जा रहा है। तो उन्होंने भरोसा दिलाया था कि बहुत जल्द इसका हल हो जाएगा। और कोरोना काल की गाइडलाइन सारी जो है ख़त्म हो चुकी है, लेकिन यहाँ के लोगों को एक चीज़ से रेल किराए से जूझना पड़ रहा है, और वो ये है कि अतिरिक्त भाड़ा जो उनसे लिया जा रहा है, अधिक भाड़ा जो स्पेशल ट्रेन के नाम पर, उससे संबंधित कुछ क्षेत्रवासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे। बहुत सारे लोगों का सवाल उठता है आरबीसी चैनल पे कि इस तरह की चीज़ें हम लोग को सहन नहीं हो पा रही हैं, बहुत गरीब तबका का इलाका है, हमारे सांसद जी कुछ पहल करते हैं। देखिए, स्पेशल ट्रेनें जो चली हैं उसका भाड़ा ज़्यादा है, लेकिन ये केवल हुसैनाबाद की समस्या नहीं है, ये पूरे देश भर की समस्या है। और एक जो निर्णय होगा वो पूरे देश भर में लागू होगा। सांसदों ने इस ओर आदरणीय रेल मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट कराया है। बहुत सारी ट्रेनों में जिसमें स्पेशल भाड़ा लग रहा था वो भाड़ा समाप्त हो गया है, मगर आज भी लोग उसी रूप में जीने को मजबूर हैं। गुज़िश्ता रोज कई अखबारों ने प्रमुखता से खबर को जगह दिया। वो खबर थी कि 14 लोग भेजे गए जेल, वो भी महिला बोगी से। चाहे वो देश प्राण अखबार की बात करें या दैनिक भास्कर की खबर की या अन्य खबरों की, आप आरपीएफ रंजन जी लगातार बेहतर कार्य के लिए जाने जाते रहे, सुर्खियों में बने हुए हैं लगातार। जपला में जब से पोस्टिंग पर आप आए, लगातार गलत करने वालों पर कार्रवाई करते देखे गए। अभी हाल के दिनों में आपने अवैध रूप से ऑनलाइन टिकट निकालने वाले जपला के निवासी पर कार्रवाई की, खबर ने सुर्खियां बटोरी। कोयला चोरी करते लोगों को पकड़ा गया, अवैध रूप से बगैर टिकट के यात्रा करने वालों को भी पकड़ा गया। विभिन्न तरह की खबरें सराहनीय कदम के रूप में देखी जा रही। अखबार इस खबर को कब छापेंगे जो 90 सीट वाली ट्रेन की बोगी में 200 से अधिक लोग सफर करते पकड़े गए, ये कब अखबार में सुर्खियों की जगह लेंगे। यात्री को सीट नहीं मिलने से यात्री लोग खड़े होकर कर रहे हैं सफर, ये खबर किन अखबारों में छपेंगी और कब आएंगी? आएंगी या नहीं? ट्रेन समय पर नहीं चल रही, यात्री स्पेशल किराया के नाम पर जनरल बोगी में सफर कर रहे, यात्री अधिक भाड़ा देकर सफर कर रहे, उनको परेशानियों का सामना करना पड़ रहा, ये खबरें कब पढ़ने को मिलेंगी? छोड़े जाता हूँ आज आपके समक्ष और अपने श्रोताओं के समक्ष कई सवाल, आकलन कीजिए। ओके, इसी क्षेत्र के लोग परेशान हो रहे हैं आपकी कार्रवाई से और कुव्यवस्था से भी परेशान हैं, लेकिन उसमें कब सुधार होगा, उस पर कब ये खबरें छपने को और पढ़ने को देखने को मिलेंगी? बने रहिए आरबीसी चैनल पर, हम कराते रहेंगे आपको हर हकीकत।